नमस्कार बच्चों। ओके, तो चलिए हम लोग लेक्चर नंबर 19 पढ़ने वाले हैं, जो कि इसके प्रीवियस क्लासेज में ना हम लोग पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन की सांद्रता के पद का फार्मूला पढ़ा था। ओके, उसी पे आधारित कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल दोनों ही सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो चलिए हर हर महादेव का नाम लेते हुए और स्टार्ट करते हैं। ओके, लेकिन एक रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिए और साथ में घंटी का आइकन जरूर दबा लीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है बच्चों, और साथ में नोटबुक और पेन जरूर रखिएगा। ओके, आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपने कर लिया होगा। चलिए हल करते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, समुद्री जल, यानी कोई समुद्री जल है। ठीक है, अब इस समुद्री जल का किसके साथ हो रहा है, समुद्री जल जो है वो प्रति किलोग्राम, यानी ये जो समुद्री जल है ये क्या है आपका विलेय हो गया। ठीक है, एक किलोग्राम में, यानी प्रति किलोग्राम का मतलब 1 kg। ओके, में इतना ग्राम ऑक्सीजन घुला हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि ऑक्सीजन की सांद्रता कंसंट्रेशन टर्म्स पीपीएम में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पीपीएम का जो फार्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है। देखिए, मान लिया हमने कोई सॉल्यूशन तैयार कर लिया इसने। ठीक है, इसमें क्या है, एक में आपका समुद्री जल है। ठीक है, समुद्री जल और दूसरे में आपका है ऑक्सीजन। ओके, यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब देखिए समुद्री जल का मैंने मान लिया जो इसका मास है, द्रव्यमान WA है और ऑक्सीजन का WB है। ठीक है, तो टोटल इस सॉल्यूशन का विलयन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, WA प्लस WB। अब चूंकि ppm में पूछ रहा है तो हम जानते हैं कि ppm इज इक्वल टू होता है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। ठीक है, इतना तो हम जानते हैं क्योंकि फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है और यही फार्मूला आपका मास परसेंटेज का भी था, है ना। क्या है, ppm है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10^6 से गुणा करा लेंगे। ठीक है, सेम चीज है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे हम करते हैं ppm सांद्रता इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान, यानी समुद्री जल का पूछ रहा है तो WA है ना, WA आपका समुद्री जल हो गया और ऑक्सीजन है आपका कितना, 5.8 × 10^3। ओके, तो ऑक्सीजन का पूछ रहा है, तो ऑक्सीजन का आपने कितना है द्रव्यमान, WB बटे टोटल द्रव्यमान WA प्लस WB गुणे 10^6। ओके, हल करिए, WB का आपका दिया हुआ है ग्राम में कितना, 5.8 × 10^3 ग्राम। ठीक है, अब देखिए टोटल कितना हो जाएगा, टोटल आपको दिया हुआ है प्रति किलोग्राम, यानी 1 kg, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं बच्चों, 1000 ग्राम, ये तो हम जानते हैं। तो चूंकि ऊपर भी ग्राम है तो नीचे भी हमें ग्राम में रख लेते हैं, यानी 1000। ठीक है, और गुणे 10^6। अब सिंपल है, आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ppm इज इक्वल टू, देखिए ये है 5.8 × 10^3 गुणे 10^6 है और बटे में 10^3 हो जाएगा, है ना। तो देखिए, तो ये 3 आपका कट जाएगा इसके 3 से, है ना, और ये भी कट जाएगा, प्लस माइनस है, तो ये कितना आ जाएगा, 5.8 ppm में सांद्रता आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आंसर मिला लीजिएगा, इतना ही आया होगा। ठीक है, और कमेंट्स में जरूर बताइएगा, कमेंट्स में यदि आप नोटबुक नहीं है तो कमेंट्स में लिख करके बताइए भी, ताकि आपको कंठस्थ हो जाए चीजें सारी। ठीक है, तो चलिए इस तरह से ये आपका ppm में सांद्रता आपने ज्ञात करने थे, ये इसका पहला न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट वीडियोज में हम एक और न्यूमेरिकल को हल करेंगे। ओके, थैंक यू।